मतलब सुबह सुबह फोन वही कार्टून्स। हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर और मतलब दाढ़ी भी नहीं बनाने का टाइम मिला, तो यहाँ से बनवा लेंगे कहीं से। तो वैसे काफी ज्यादा हम अभी भीग चुके हैं पूरी तरह से। तो बारिश पड़ रही थी, इतने अच्छे में कपड़े डाल के आया था बट सब बेकार हो गया। बट हमारा सिर जो है वो बच गया क्योंकि काफी ज्यादा हेलमेट से कवर था। चलो कपड़े पहन लेते हैं। शैली शैली स्टैचू बन गई, ये देखो। बस करो ना स्कूल लेके जानी है और घर घर नहीं बच्चे मंकू की तो लॉटरी लग जाती है, कैंडी सी कैंडीज होगी उसके पास। अभी बैठ के जितनी मर्जी खाती रहे। और मतलब रास्ते में काफी ज्यादा बारिश पड़ रही थी, बारिश पड़ी बस 2-4 किलोमीटर, लेकिन उसने हमारे कपड़े पूरे भिगा दिए। वो सामने कपड़े सूख रहे हैं, वो वहां पे मेरे शूज सूख रहे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लो यार ये लोग तो चले गए स्कूल, मतलब मम्मा एंड दीदी मंकू को स्कूल छोड़ने गए हैं। और अभी हम मस्त सोएंगे क्योंकि हम सुबह 5 बजे के उठे हैं। तो इसी के चक्कर में पहले तो बर्तन रखाते हैं। पता है रास्ते में जब हम आ रहे थे ना तो वो गिला मतलब कप जो था वो गिर चला था। तो हम जब रास्ते में आ रहे थे ना तो वहाँ पे पहले तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, फिर हमारे कपड़े भी सारे गीले हो गए। बस इतनी सी बात थी। और अभी हमें कोई चादर भी नहीं मिल रही सोने के लिए, बट कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड अभी बस सो ही जाते हैं यार, नहीं कुछ मिल रहा है। कूलर लगा, कूलर से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा निकलती है ना अभी के टाइम पे, मतलब गर्मियों में बिल्कुल नहीं थी, अभी मॉनसून आ गया तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मिलता हूँ मैं आपसे सोने के बाद। यार सच्ची में बहुत नींद आ रही है। और जब भी जाओ जहाँ भी जाओ हेलमेट डाल के जाया करो, ओके। ये अभी आपके लिए जो भी मुझे देखता है उसके लिए ज़रूरी मैंने कर दिया है। एंड आपकी सेफ्टी है यार, आपकी सेफ्टी रहेगी तो हमारे चैनल की, हमारी फैमिली की, हमारे सारे भाई बहनों की सेफ्टी रहेगी, ओके। चादर नहीं मिली तो हमने ये जो पिलो थे इनसे ही चादर बना ली अपनी। सो अभी हम सोने वाले हैं। और आज का सच्ची में सुबह सुबह राइड करके ना कम से कम बाइक 50 किलोमीटर मैंने चला ली, और सुबह उठा भी बहुत जल्दी था जिसकी वजह से थक गया। मतलब यार पता है बाइक अगर मौसम ठीक हो ना तो जितनी मर्जी मैं चला लूँ कुछ नहीं होता, बट कभी कभी पता है जब नींद पूरी नहीं होती, या रात को भी मैं काफ़ी देर तक जागता रहा था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। हमने तो सो लिया है और अभी आप हमारा लुक है वो देखो, मतलब ऑल ओवर मैंने सब ब्लैक ही पहन लिया, मतलब ब्लैक ब्लैक ही हो गया यार।
शर्ट भी ब्लैक, पजामा भी ब्लैक, एंड पता है ये मैंने पीटी शूज लिए हैं, आप लो, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट शूज हैं सब जैसे टाइप में से, एक ये और एक जो बड़े बड़े होते हैं यार कंस्ट्रक्शन साइड पे जो कैट के डालते हैं ना वो वाले, मतलब वैसे कैट के उसकी कंपनी है बट पता नहीं इसको क्या बोलते हैं वो, ये दोनों मेरे दिल के करीब हैं। चलो आगे चलते हैं, अभी वो सामने रहा मंकू का स्कूल, तो अभी हम आ चुके हैं मंकू के लिए, स्कूल के आसपास काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। चलो कोई बात, देखते हैं लग कैसे यार, वो देखो विंडोज में से बच्चे कैसे बैठे हुए हैं। देखो हमारे साथ मंकू है, ठीक है मंकू, अभी अभी ना मैं इधर से लेके आया हूँ बैंडेज और मैंने लगा लिया है यार। आप बाजार देखो, हमारे दीदी के शहर का बाजार, तो यार इधर भी काफ़ी कुछ है, कपड़े वगैरह और काफ़ी कुछ मिल जाता है आसानी से। ये लो, ये दीदी हमें आ गए, उस दुकान से हम लेंगे पेस्ट्री वगैरह, साई दे दी है, अभी चलते हैं घर। जी ये देखो काम इलीगल इलीगल चल रहा है।